आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसमें शहरी क्षेत्र से 6 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा थाना हरी पर्वत पुलिस ने भी चौरस तस्करी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 किलो 500 ग्राम चौरस बरामद की गई। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आगरा पुलिस ने एसएसपी सर के निर्देशन में कल एक विशेष अभियान चलाकर एनडीपीएस के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पूरे कार्रवाई में नगर क्षेत्र में सभी थानों ने सड़क पर खुलेआम बेचने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है, और इसमें सभी थाना क्षेत्रों को मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 6 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। स्पेशल कार्य करते हुए 3.5 किलो 500 ग्राम चरस बरामद किया है और उसमें लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगरा पुलिस एनडीपीएस के लिए पूरी तरह सख्त है। कोई भी व्यक्ति एनडीपीएस बेचता हुआ, सेवन करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में टप्पेबाज की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया और गिरोह के पास से पुलिस ने 1,23,000 रुपए बरामद किए। आगरा के अलावा इस शातिर गिरोह अन्य जनपदों में भी टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया करता था। थाना सदर क्षेत्र में एक टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, और ये गिरोह से पूछताछ में ये बात सामने आया है कि पिछले महीने 22 तारीख को जो टप्पेबाजी पीएनबी बैंक के पास हुई थी, इसमें 1,23,000 रुपये गए थे, इसी ने किया है। और इस घटना के 1,01,000 रुपये बरामद किए गए इनके पास से, और साथ में पूछताछ में और बरामदगी में ये सामने आया है कि और भी 3 घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई थी, जो इन्होंने कबूला है और उसकी बरामदगी इनके पास से हुई है। का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अभी हमारे जनपद का जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, उनमें 4 मुकदमे हैं और बाकी अन्य जनपदों में भी कार्यरत हैं। इनके बयानों से सामने आया है और उनका आपराधिक इतिहास अन्य जनपदों और दूसरे राज्यों में देखा जा रहा है। खबर औरैया से है, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने अंतर जनपदीय 9 चोरों को नकदी और चोरों के काम आने वाले सामान और गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली पुलिस की एडिशनल एसपी साहब और सीओ सिटी साहब और थाना कोतवाली प्रभारी के निर्देशन में एक बहुत अच्छा गुडवर्क किया गया है। और अभी हाल फिलहाल हमारे जनपद में कई जगहों पे ऐसी चोरी की वारदातें सामने आ रही थी, जिसको लेकर के मुखबिर तंत्र हमने एक्टिवेट किया और उसके उपरांत हमें ये 9 अपराधी हमारे गिरफ्त में आए हैं। ज़्यादातर ये बाहर जनपद के रहने वाले हैं और घूम घूम करके गाड़ी से रेकी करके ये घरों को निशाना बनाते थे, और ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जिसमें बाहर से ताला लटकता रहता था। इनके पास से 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक टाटा सफारी है और एक ओमनी कार है। साथ में 1,40,000 रुपये बरामद हुए हैं। तो एक ये अच्छी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और इन सभी से को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में जो भी अब ये साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करके इनको कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आखिरी दिन की बैठक संपन्न हुई। वह चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट दीर्घकालीन कालिक योजना पर काम कर रहा है। यहां 2,00,000 श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिनके सुख सुविधा का खास ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान पदाधिकारी सदस्य के अलावा टाटा कंसल्टेंसी व LNT के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। जनता के लिए जो परिसर में आ रहे हैं, उनके जो एक सामान्य सुविधा है, नेचुरल कॉल प्रसाधन, टॉयलेट आदि, शौचालय आदि, ऐसी बहुत छोटी छोटी बातों पर थके हुए लोग आराम करेंगे तो उनका भवन कहाँ कैसा, कितनी कैपेसिटी का, ये
बहुत बारीकियां हैं, इन बारीकियों पर आज चर्चा हुई है और थोड़ी बहुत चर्चा अन्य 70 एकड़ के विकास पर, वो बहुत प्राइमरी स्टेज की चर्चा है, इतना ही अभी तक हुआ है। खबर बलिया से है, जहां सदर कोतवाली थाना के 11 नामजद और 50 से 60 अज्ञात चोरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मतगणना स्थल मंडी के गेट पर कुछ लोग गाड़ियों को चेक कर रहे थे। उस समय गाड़ियों में सरकारी कर्मचारी मौजूद थे जो मतगणना स्थल पर जा रहे थे। उस दौरान सरकारी कर्मचारियों से भद्रता की गई थी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन FIR दर्ज कर लिया है। 9 तारीख को मतगणना स्थल मंडी पे गेट पर कुछ लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे गाड़ियाँ चेक की जा रही थी और ये अफवाह फैलाई गई कि इन गाड़ियों के माध्यम से मतगणना प्रभावित की जा सकती है और उसमें सरकारी कर्मचारी थे जो आ जा रहे थे। सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता की इन्होंने और इस तरह की रूमर फैलाई, इसलिए उसको देखते हुए करीब FIR कोतवाली में FIR दर्ज हुई, जिसमें 11 नामजद लोग हैं और 50 से 60 लोग अज्ञात हैं। आगे मेरे कार्रवाई की जा रही है, शेष प्रक्रिया प्रचलित है। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्यौहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में भी होली का उत्सव मनाया गया। इस दौरान पुराने छात्र अपने नए स्कूलों को छोड़कर अपने पुराने स्कूल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, तो वहीं नौनिहालों ने अपनी शिक्षिकाओं के साथ अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली। पूरे देश में 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो गया। वहीं गाजीपुर में भी 12 से 14 साल बच्चों को कोविड टीकाकरण हुआ। बता दें कि जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार मिश्र ने फीता काट कर टीकाकरण की शुरुआत की। ये 12 से 14 साल के बच्चों में कोविड का टीकाकरण है जो आज सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया जा रहा है। 14 साल के ऊपर तो अभी तक कवर हो रहे थे, इसके नीचे भी 12 से 14 साल का कोर्बीवैक्स नाम का वैक्सीन है जो आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी 14 साल उम्र है। पहला टीका लगा? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें कोविड से बचना था और इस उसके लिए हमें वैक्सीन इन्वेक्ट करना ज़रूरी था। सर, ये जो सरकार की मुहिम है सबको वैक्सीनेशन देने की, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है और फेजवार ढंग से हो रहा है। पहले सबको बड़ों से देखते हुए चले आए हैं और अब पूरे ही मतलब सबको ही हमको कोरोना से प्रोटेक्शन देना है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अब धीरे धीरे 12 से 14 है, अब इसके बाद धीरे धीरे कम होगा, तो ये एक बहुत। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां युवक रात में कस्बे में निकला और देर रात तक वापस नहीं आया। सुबह परिजन युवक की तलाश के लिए निकले तो युवक को पेट्रोल पंप के सामने तालाब में मृत अवस्था में पाया, जिसकी सूचना पुलिस विभाग को दिया और पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर परिजन को सौंप दिया। ये घटना ऐसे हुआ कि शाम को निकले, सब्जी ला के रखे और वही करीबन 6:30 बजे निकले, तो ये रोज़ दारू पीते थे। शाम को निकल के गए दारू लिए और लौट के नहीं आए 9 बजे तक, तो 9 से 11 तक हम सब लोग 12 बजे तक घूमे और नहीं मिले। वो दारू पी के शायद वहीं गिर पड़े, नहीं उठे। हम सब लोग 5:00 बजे फिर ढूंढना प्रारंभ किए, 5 बजे वहाँ पर मिले। अब वही समझ लीजिए स्वाभाविक मौत ही लग रहा है। दारू गाजा बराबर पीते थे, कमजोर भी थे। खबर श्रावस्ती से है, जहां अवैध तरीके से संचालित हो रहे आरा मशीन व वन विभाग ने हंटर चलाया और वन कर्मी मशीन को उखाड़कर प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय लेकर पहुंचे और आरा मशीन संचालक के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। फरीदाबाद में गोवंश सेवा दल के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान बाहर से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को होली की शुभकामनाएं दी।
आयोजन पर्वतीय कॉलोनी नेत्रम सरिये वाले रोड के पास हो रहा है। कोरोना तत्काल को देखते हुए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। इससे पहले होली मिलन समारोह हमारा और भी उत्सव के साथ होता था, पर कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रोग्राम किया जा रहा है आपके बीच में। और यही संदेश देना चाहता हूँ सर, आने वाली बीमारी का बहुत हमने संघर्ष किया, उसको देख दिखाई ये प्रोग्राम हो रहा है। जितना हमसे प्रोटेक्शन कोर्स के लिए हो रहा है उतना सर कर रहे हैं। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस प्रशासन ने प्रतिबंधित थाई मांगूर प्रजाति की मछली को भारी मात्रा में पकड़ा। प्रजाति की पहचान होने के बाद पुलिस ने दोनों ट्रकों में लदे थाई मांगूर मछली को अपने कब्जे में ले लिया और तस्करों पर कार्रवाई शुरू की। दो गाड़ी थाई मांगूर की पकड़ी गई है, जिसके विनिश्चयकरण की कार्रवाई है। सर कितनी मांगुर मछली लगभग में पकड़ी है? एक गाड़ी में जो है थाई मांगुर के बच्चे हैं और दूसरी गाड़ी में जो है बड़ी मछलियां हैं जो अभी आ रही हैं उसके दृष्टिकरण। ये मछलियां कहां से आ रही है और कैसे पकड़ी गई? जो है पश्चिम बंगाल से आ रही थी और एक जो ड्राइवर है एक राजस्थान का है, एक यहाँ यूपी का है। तो ये लोग जो है एक अम्बाला ले जा रहे थे ये गाड़ी, और एक इटावा की बात कर रहे हैं कि इटावा चलते हैं। सर यहाँ कहाँ को इटावा को लेकर के जा रहे थे? एक और कुछ अनुमानित कीमत कितनी होगी लगभग? इसके जो बच्चे हैं वैसे जो लोग देते हैं लोकल में, तो एक बच्चे की कीमत जो है 2 से 2.5 रुपये 3 रुपये तक लेते हैं। तो इसमें अनुमानित हमको लग रहा है कि करीब 2.5 लाख बच्चे होंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।